हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज लाए हैं भाई ब्लैक कलर की हाई राइडर। तो करते हैं भाई शुरू, बताता हूँ क्या कुछ इंस्टॉलेशन है। ये है भाई बेसो टॉप वेरिएंट मॉडल बनानी है, 360 है ना? हाँ जी भाई। तो भाई मेरे पास आप लोगों को 10,000 में मिल जाएगी 360 डिग्री कैमरा, फुल्ली वर्किंग। सच में भाई? ब्रांड जो है डिफरेंट हो जाएंगे भाई आपके क्वालिटी। अच्छा अच्छा भाई, वही चाइनीज से लेके अपना फिर अलग जर्मन में आ गए, अलग चीज में आ गए, फिर वही वाली बात है। भाई जर्मन दे दूंगा, 10,000 का लोगे HD 1080p दे दूंगा, जिसमें 144p की क्वालिटी भी मिल जाएगी। उसके नीचे जाओगे तो आप लोगों को पता है 720p के कैमरास आते हैं। जी भाई। साइड में आ जाओ भाई, 2500 रुपए का 110 वोट की LED आ जाएगी। 240 वोट ले लो 7500 रुपए में, जेन्युइन भाई। हाँ, 300 वोट ले लो 9500 में जेन्युइन, और जो मार्केट का 340 वोट का डब्बा है वो वाला दे दूंगा 4500 रुपए में। ये ठीक है? सच भाई, ये तो सच ही है। अब 340 लोग है भाई, 7500 में 240, 340 लो आप। देखो हर क्वालिटी का डिफरेंस आता है, हर ब्रांड का डिफरेंस आता है, और प्रोडक्ट का भी डिफरेंस आता है। तो ये आपके लिए आ जाता है भाई। उसके बाद ले चले साइड में, तो ये भाई अपने प्लैटी में और नियो में दोनों में सेम डिजाइन आप लोगों को मिल जाएगा। ये 17 इंचेस का 38,000 वाला डिजाइन है, सेम डिजाइन 32,000 में मिल जाएगा। कॉर्नर ग्लॉसी मिलता है इसमें नहीं लगे हुए, ग्लॉसी मिलते हैं इसमें नहीं लगे हुए, फिर रनिंग बोर्ड ग्लॉसी आ जाता है अपना, वो भी इसमें नहीं लगा हुआ है। अच्छा, इसमें भाई रिप्लेसमेंट वाला भी आता है? एक रिप्लेसमेंट ही है, ये भी रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा, रनिंग बोर्ड भी रिप्लेस होगा, उसके बाद में हमारा पीछे का जो फेंडर ग्लॉसी है वो भी रिप्लेस होगा। अच्छा, और भाई पीछे का कॉर्नर भी रिप्लेस होगा, सारा रिप्लेस होगा, ग्लॉसी का टॉप ही रेंट बनवा रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फुट स्टेप फुल पावर वाली, ये चेकआउट कर लो भाई, ये देखो, ये तो ओरिजिनल वाली लग रही है मेरे भाई। ये हमने नहीं, कॉर्नर टू कॉर्नर ओरिजिनल निकाली है, जैसा टॉप वेरिएंट के अंदर आता है कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ के वो आएगा। OEM टाइप हो गया पूरा, है ना? और रूफ रेल देख लो, रूफ रेल भाई कौन सी कंपनी लगाई है रूफ रेल भाई? ये मेरी अपनी मान लो भाई। अच्छा भाई, देखो भाई ये रूफ रेल उखाड़ के दिखा रहे हैं। ठीक है, हिल तो रही है बोला गया, लेकिन लटक के पूरी चेक करा दी आपको। अच्छा, ये सैटन ब्लैक है जो आपको दिखाया है। ये डोर वाइजर हमारे ओरिजिनल इंस्टॉल कर दिए 6 पीस के अंदर। जी भाई, नेक्सा वाले होंगे ये तो? नेक्सा वाले, 75% ऑफ है आप लोगों के लिए। अच्छा भाई। और जो बेस्ट टू टॉप करा रहा है उनके लिए लोअर गार्निश हमारी 6 पीस की आ जाती है। जी ये भाई, हमारी पूरी की पूरी बेस्ट टू टॉप के अंदर आ जाएगी। ये संजीत भाई जा रहे हैं, देखो गाड़ी में, देखो काम करके। लोअर गार्निश बता दो, मैं कह रहा हूँ 1200 में दे दूं, 1200 में मिल जाएगा लोअर गार्निश ओरिजिनल नेक्सा की बेस्ट टू टॉप 75% ऑफ में, 1200 बिल्कुल मिल जाएगा। 1200 दे दिया भाई, ले लो भाई 1200 में। ये भी 1200 कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी 1200। ये बेस्ट टू टॉप के लिए बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए 500 रुपए अगर क्रोम लगवाते हो बेस्ट टू टॉप पे। जी भाई। सो भाई 32,500 में ग्रैंड विटारा का टॉप मॉडल का लॉय बिल आपको दे देंगे, लेकिन फाइनल कर देते हैं एक बारी। संजीत भाई है वीडियो में, तो भाई 48,000 का शोरूम पे है, अगर गाड़ी लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलता है फिर भी? बिल्कुल डिस्काउंट है, ऐसे जो हाइराइडर जो बेस्ट टू टॉप कराए हैं उनके लिए मात्र निकाल दो ऑफर, निकाल दो भाई। इतना नहीं, मतलब देखो जो मार्केट में चल रहा है भाई, असली वाला बताओ, असली वाला डब्बे का रेट नहीं चाहिए, वो तो 15-16,000 रुपए का ले जाओ आप, उतरा वो डब्बे का रेट नहीं, डब्बा पैक का रेट दे दो 22,000 रुपए, जो भी भाई का बेस्ट। देखो भाई, भाई ने 22,000 रुपए कर दिया है, देंगे ये उतरवा के चेक करवाएंगे तब लेना। आपने करोल बाग वाला मार्केट वाला नहीं है कि उतार के लगाना है, उतारने वाला 15,000, बिल्कुल उतरने वाला 15,000। चलो आ जाओ पीछे चले भाई, का दिल बहुत बड़ा है। ये अगर बेस्ट टॉप करा रहे हो तो ये न्यू डिजाइन का भाई मैं बोलता हूँ कि भाई 4200 लास्ट, और इससे पहले वाले डिजाइन का 3500 रुपए बेस्ट टू टॉप, और उससे पहले वाले डिजाइन का 2700 रुपए बेस्ट टू टॉप। तीनों का रेट बता दिया आप लोगों को। ये लोडिंग रूम पहले से लगी हुई थी, ये कॉपी है, ये देख लो, ये लोडिंग रूम ओरिजिनल आती नहीं। ओरिजिनल लोडिंग रूम में सिर्फ आपको 5mm की ये मिलेगी, 5mm का क्रोम मिलेगा, फिर 5mm का मैट मिलेगा। ये कॉपी है, कहीं से लगी हुई थी पहले से, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये लगाई है गैलियो की, ये आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद विंडो गार्निश होती है, ये 1090 की आती है, 600 रुपए की आपको मिल जाएगी। उसके बाद अंदर चलते हैं, बड़े बड़े बाटों की बात करते हैं। बेस्ट टू टॉप करा रहे हो तो बूट लाइट फ्री कर देते हैं, ये ओरिजिनल डलेगा, ये देख लो GFX का आ गया, ओरिजिनल बूट मैट आ गया आप लोगों के लिए। स्पीकर्स हम लोगों ने इंस्टॉल करे हैं JBL के ओरिजिनल, 690 वोट आते हैं, ये कंपनी के स्पीकर आते हैं 25 वोट के, 390 वोट के कंपोनेंट डाल दिए हैं। तो मैग्नेट बड़ी छोटी है मेरे भाई। हाँ, तो ये 25 वोट के है ना, हमने 390 वोट के डाल दिए। क्या मॉडल है ये? लो भाई स्पेसिफिकेशन पढ़ लो, यहाँ पूरी आप लोगों को मिल जाएगी वो, और 92 डेसिबल की पावर इसके अंदर रहती है आप लोगों की। ये स्टीयरिंग क्या है? स्टीयरिंग ये बेस मॉडल का, बेस मॉडल का स्टीयरिंग है, ये सोनिक का, ठीक है। 360 है, डुअल DVR है, पिक्चर इन पिक्चर है, स्प्लिट स्क्रीन है, DSP है भाई, ठीक है। और क्या चाहिए आपको बताओ? प्ले स्टोर चाहिए? प्ले स्टोर भी है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन पीछे से आ जाओ, एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है,
2GB 32GB 4/64 4/32 सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑक्टा कोर क्वाड कोर TS9 TS7 सारे प्रोसेसर मिल जाएंगे। बजट आपका ऊपर नीचे करेगा भाई। आजकल ना ये चल रहा है कि ये अपना लाइसेंस कार प्ले देखो एंड्रॉइड ऑटो लाइसेंस दोनों में ये वाला फ्रॉड ये वीडियो इतनी जी भाई फेमस होगी नहीं लेकिन बताता हूँ लाइसेंस कार प्ले और नॉर्मल जो इसके अंदर कार प्ले लोग ब्लू पंक पे जाते हैं मोको पे जाते हैं ऐसा कुछ बताओ कि किस पे जाना चाहिए। मोको DHC और अपना ब्लू पंक तीनों में आपको सर्टिफाइड कार प्ले आता है जी भाई। सर्टिफाइड कार प्ले लाइसेंस कार प्ले दोनों अलग है। गूगल कर लेना रिसर्च कर लेना पता चल जाएगा बताऊंगा तो मेरे ऊपर बात आएगी जी भाई। ये बात तो सच बोली भाई तुमने। लाइसेंस कार प्ले सर्टिफाइड कार प्ले दोनों अलग चीज है। ठीक है एक बार लुक चेकआउट कर लो लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ क्या कुछ इंस्टॉल करा है। लेकिन अगर भाई ये दे सकते हैं ये क्या है भाई ये देखो भाई ये पटल लैंप है ओरिजिनल अपना टोयोटा का। अंदर आ जाओ यार उसके बाद अपना दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्लोरिंग देख लो। फ्लोरिंग भाई ये रहा क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग है भाई ये तो। ये अपना सिंगल पीस कारपेट वाली फ्लोरिंग है जो हर वीडियो में मैंने आपको दिखा रखी वाली फ्लोरिंग है। नीचे मैट है हाई राइडर के कंपनी से डले हुए थे। मेन आते हैं भाई डोर के ऊपर स्टार्ट करते हैं दरवाजे से अपना। पटल लैंप आप लोगों ने देख लिया K4MES लाइट है। सबसे पहले K4 भाई कितने पीस वाली है ये अपनी रहने वाली है भाई 6 पीस की। अच्छा ये अपनी 10 पीस की हम लोगों ने इंस्टॉल करी है। 10 पीस आप लोगों को बता देता हूँ। 2 पीस डैशबोर्ड 4 डोर्स 6 हो गए डोर्स पे। हाँ डोर्स के अंदर अभी दिखा देता हूँ ये रेट दरवाजे के। ठीक है दरवाजे में 4 पीस डोर हो गए 6 पीस खत्म। 4 पीस एड ऑन करते हो 10 पीसेज में तो 4 फुट के आ जाएंगे ये फुट के। अच्छा भाई तो ये अपने पूरे लग के आ गए हैं ये अपने फुट के आगे पूरे। अभी फ्लैश में दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को बट रेड कलर की लाइट अपनी जो आ रही है नीचे अभी फिलहाल का पूरा डन करा है। पूरा मीटर ग्लोसी हो रहा है पूरा मीटर है ये देख रहे हो रिफ्लेक्शन पूरी आ रही है इसके अंदर पूरा ये ग्लोसी हो जाता है मिरर हो जाता है पूरा का पूरा। अच्छा लगता है भाई देखने फिर सेंटर एसी हो गया अच्छा लग रहा है। साइडों के एसी हो गए सेंटर कंसोल हो गया चार्जिंग पैड हो गया। अच्छा ये पूरा किया है ना। हाँ ये पूरा हो गया अपना कप होल्डर आ गया इसके अंदर पीछे का एरिया भी आ गया अपना ये साइड का पूरा आ गया इसके पीछे का भी है पीछे का इसके अंदर आ गया पूरा। ये अलग पार्ट है वैसे लेकिन ये टॉप मॉडल में आता है तो हमने कर दिया उसके साथ के लिए। फिर अपना ये गियर का हो गया गियर बोर्ड का हो गया ग्लोसी। उसके बाद अपना गियर नॉब चेंज कर दिया मारुति का ओरिजिनल कर दिया। 390 रुपए का वैसे है लेकिन बेस टू टॉप कराओगे तो फ्री है। ठीक है फिर उसके बाद ओरिजिनल अपना फ्रंट USB ओरिजिनल चीज है यार। ठीक है उसके बाद अपना ग्लोसी ग्लोसी था सिस्टम वही जो मैं आप लोगों को दिखाया था। अपना होमवर्क करके आना लाइसेंस कार प्ले और सर्टिफाइड कार प्ले। ये क्या था भाई ये क्या ये लाइसेंस कार प्ले ना सर्टिफाइड कार प्ले इससे वायरलेस एप्पल कार प्ले आप लोगों को चलेगा। इससे भी अच्छा चलता है भाई तुम्हारी गाड़ी में लग रखा है। हाँ तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं तभी तो होमवर्क दिया भाई लाइसेंस कार प्ले सर्टिफाइड कार प्ले में क्या फर्क है और ये नॉर्मल कार प्ले में क्या फर्क है आप लोगों को चेक करके आना है। कार में आओगे सेडान है SUV कर दी भाई कैलिब्रेशन कर चुके हैं वो बस हमें खाली फोटो चेंज कर रहे हैं। ठीक है ये कैलिब्रेशन डन है। गाड़ी टेढ़ी खड़ी थी भाई सामने तीन बंदे। अरे मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी देखनी है ना कभी भी ये देखो ये टाइल दिख रही है जी भाई बराबर है जी इधर भी बराबर है जी लाइन कहीं टेढ़ी मेरी है ये बताओ नहीं, नहीं है ना ये पूरी एक्यूरेट का गाड़ी भी टेढ़ी खड़ी है एक्चुअल रोड पे। ठीक है ये देख लो भाई पूरी जी भाई ये पूरी आ गई अपनी सिस्टम में यही था ग्लोसी फ्रेम अपना आ जाता है डैशबोर्ड रैप कर दिया दरवाजे में आ जाते हैं डबल डैम्पिंग है प्रीमियम भाई बिल्कुल प्रीमियम। अच्छा इसमें क्रूज कंट्रोल भी हमारा होना है। ठीक है तो देखो बनाई दबने के लिए तो इसमें तो हो गई। ठीक है इसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसमें देखो ये कितना ये फोम है भाई। अच्छा जी मेमोरी है ये मेमोरी फोम डाल रही है ये पूरा सेंटर वेंटिलेशन है। ये देखो इधर भी देख लो ये मेमोरी है भाई ये मेमोरी चल रही है अपनी। ठीक है पूरा सॉफ्ट है अपना पूरा का पूरा पूरा वेंटिलेटेड है सेंटर परफोरेटेड रहने वाला है। पीछे भी लुक चेकआउट कर लो इसमें देखो डायमंड ब्लैक की है बेशक लेकिन लुक मैच नहीं कर पाएगा कभी भी दरवाजे के साथ। पीछे पार्सल ट्रे ओरिजिनल है बाकी ताम जाम है अपना अपना कैबिन लाइट है। फ्रंट में भी ये सनग्लास होल्डर है। अच्छा भाई सनग्लास लगा दिया ये 180,000 रुपए के आसपास इस गाड़ी का बिल। अच्छा इस मॉडल को बनाने के लिए अगर खाली क्रूज के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं कंपनी में क्रूज कंट्रोल तो 1,00,000 रुपए ऊपर जाएगा। अगर आप लोग इससे ऊपर अपर वेरिएंट लोगे तभी क्रूज कंट्रोल आएगा क्रूज भी चालू तो 1,00,000 रुपए तो आप वही काट लो बच्चे 80,000 रुपए 80,000 का सीट कवर इंटीरियर कितना काम हो जाएगा भाई इस गाड़ी में। इंटीरियर म्यूजिक सिस्टम JBL के स्पीकर है ट्विटर साइज चेंज कर रखा बताना भूल गया था LED इंस्टॉल और के आगे अगर 1,00,000 ऊपर मॉडल दोगे क्रूज कंट्रोल के लिए तब भी नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग चेंज कर रखा है सनग्लास होल्डर लास्ट मॉडल में आता है उससे पहले किसी मॉडल में नहीं आता है। अगर आप लोग 1,00,000 खर्च करने के बाद भी गाड़ी लेते हो सिर्फ क्रूज कंट्रोल के लिए तब भी स्टीयरिंग रैप इंटीरियर सीट कवर कराना पड़ेगा अलॉय व्हील डलाने पड़ेंगे सनग्लास होल्डर डैम्पिंग स्पीकर म्यूजिक सिस्टम ग्लोसी कराना पड़ेगा गियर नॉब डलवाना पड़ेगा पीछे का पार्सल ट्रे आएगी बूट लाइट भी आएगी
पीछे का बुलगार्ड लगवाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टर लाइट लगवानी, तब भी आप लोगों को 1.5 लाख रुपए खर्च करना ही पड़ेगा मोटा मोटी। बस वही है कि भाई बेस्ट टॉप करना चाहते हो तो भाई 1 लाख रुपए लेके आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे जो आपका बजट होगा उस काम के अंदर कर देंगे। 2 लाख है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, वो चीजें आप लोगों की देख ली जाएगी। कम से कम भाई इसका बजट बताओ कितना आया होगा गाड़ी का? इस गाड़ी का भी 180 जाने वाला है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चेक कर लेंगे, 1.5 से 1.80 के बीच में रहने वाला है जो भी है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी भाई। मगर मॉडल तो बना दिया आपने 22 लाख का पूरा 180 में है? पूरा बना दिया भाई, बाकी कोई K3 पसंद करे, कोई बोले भाई पाई वाली 3500 वाली लगा दो, तो वो क्वालिटी के ऊपर लगती है भाई, अभी भी लगती है। होपफुली वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।